चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है भारत में राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा। तो चलिए देखते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा होती है और इसके बाद प्रधानमंत्री इस चर्चा में जवाब देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की शुरुआत और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनके अभिभाषण के बिना संसद का सत्र आरंभ हो सकता है? इन्हीं सभी सवालों पर हम आज की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका इतिहास क्या है। लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्र के प्रमुखों के द्वारा सदन को संबोधित करने की परंपरा ब्रिटेन से ली गई है और यह परंपरा 16वीं सदी की है। उस वक्त ब्रिटेन के राजा और रानी सदन को संबोधित करते थे, लेकिन 1852 के बाद ब्रिटेन की क्वीन ने सदन को संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। यह सिस्टम अंग्रेजों के साथ भारत भी आ गया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 पास किया और 1919 में ही हमारे यहाँ राज्यसभा का गठन भी हुआ, लेकिन उस समय इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। और लोकसभा का इतिहास 1853 से शुरू होता है। शुरुआत में भारतीय लोकसभा को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, जिसमें 12 सदस्य होते थे। आजादी के बाद 1950 से सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और संविधान में इसका प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत आम चुनाव के बाद के पहले और साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है और उसके बाद दोनों सदनों का काम शुरू होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं? संसद के किसी एक सदन या एक साथ दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था और 1921 से यह चला आ रहा है। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं वह सरकार ही तैयार करती है। संविधान के आर्टिकल 86(1) में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह जब चाहे संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकते हैं और इसके लिए सदस्यों को बुला सकते हैं, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल किया नहीं गया है। इसी तरह से आर्टिकल 87(1) में यह प्रावधान है कि चुनाव के बाद का पहला सत्र और हर साल का पहला सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना सत्र शुरू नहीं हो सकते? तो इसका जवाब है नहीं। उनके अभिभाषण के बिना सत्र शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का संवैधानिक प्रावधान है और संसद के दोनों सत्रों में जो साल भर में 3 सत्र होते हैं उनमें पहला बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। साल में सबसे पहले बजट सत्र ही होता है, इसलिए राष्ट्रपति इसी सत्र में दोनों सदनों को संबोधित करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आज़ादी के बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रपति को हर सत्र को संबोधित करना होता था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के बाद राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद के पहले और साल के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हर सांसद के शपथ के बाद और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। जब तक राष्ट्रपति दोनों सदनों को अभिभाषण नहीं देते तब तक कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा होती है और इस चर्चा के लिए समय दोनों सदनों के अध्यक्ष तय करते हैं। लोकसभा के नियम 16 और राज्यसभा के नियम 14 के अनुसार अध्यक्ष सदन के नेता या प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय लेते हैं। इसके बाद लोकसभा के नियम 17 के तहत सदन का कोई सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है और जिसका अनुमोदन कोई दूसरा सदस्य करता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सांसद
धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की मांग कर सकते हैं और ये संशोधन उन विषयों के बारे में हो सकते हैं जिनका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में है, या ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनको अभिभाषण में शामिल होना चाहिए था। लोकसभा के नियम 20(1) और राज्यसभा के नियम 18 के तहत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने का अधिकार सरकार के पास होता है। प्रधानमंत्री चाहे तो खुद या सरकार की तरफ से कोई मंत्री चर्चा के बाद इसका जवाब दे सकता है, भले ही इस चर्चा में प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद ना हो। प्रधानमंत्री या किसी मंत्री की तरफ से सरकार का जवाब दिए जाने के बाद सदन के अन्य सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कितना जरूरी है, आइए देखते हैं। सदन को इस बात को जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाली है, इसलिए राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं और उसे सरकार की नीतियों और कामकाज की जानकारी देते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का ही हिस्सा होते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार ही तैयार करती है, इसलिए इसमें सरकार के अगले एक साल के कामकाज का ब्यौरा शामिल होता है। क्या संसद के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। दोनों सदनों के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य बहस कर सकते हैं। इस दौरान सदस्य ऐसे विषय नहीं उठा सकते जिनका सीधा संबंध सरकार से नहीं है। इसके साथ ही बहस के दौरान वो राष्ट्रपति का नाम भी नहीं ले सकते। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, संसद के किसी एक सदन या एक साथ दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान के आर्टिकल 87(1) में यह प्रावधान है कि आम चुनाव के बाद पहले सत्र और हर साल के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए, अर्थात ये वाला ऑप्शन गलत है और इसका सही उत्तर है 1991 में नजरबंदी के दौरान आन सान सू की को नोबल का शांति पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।